हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन में, जिसका सेशन का नाम है नीट में जीत। और नीट में जीत का रोड मैप मैं आपको लास्ट दो वीडियो से बता चुका हूं कि वो क्या होने वाला है, उसकी हम लोग रणनीति क्या बना रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इस बात को बताऊंगा, वो ये है बच्चा कि हमारी इस नीट में जीत की रणनीति ये है कि इस रणनीति के तहत मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियोस, जो कि आज की क्लास भी बच्चे एक कंसेप्चुअल वीडियो है। और उसी सीरीज के अंदर हमारी रणनीति है बच्चा बहुत सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तो आज की जो बात है बच्चा वो ये है कि आज हम लोग आज की रणनीति का हिस्सा जो है वो है कंसेप्चुअल वीडियोस, ठीक है। और आज की कंसेप्चुअल वीडियो जो है बच्चा वो एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और टॉपिक है बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक। कुछ बच्चों को लगता है यार ये क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है या फिर ये हैमबर्गर इफेक्ट क्या होता है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ देखो, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यार ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता भी है मेरे बच्चों को, वो ये है कि भाई जब हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं तो दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लोग आपका एक्सहेल आउट करते हैं और इनहेल करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को, ठीक है। तो सर हम लेते तो ऑक्सीजन है, निकालते CO2 है, क्या फैक्ट्री लगी है हमारी बॉडी के अंदर CO2 की? बच्चा बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सेल्स में चलता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंडर क्या होता है बच्चा, फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिजल्ट वाइज निकलता है बच्चा CO2, वाटर और एनर्जी, जिसको हम लोग यूज करके बेसिकली अपनी फंडामेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी डिफरेंट सेल रेगुलरली CO2 बना रही है, इस CO2 का ट्रांसपोर्ट होकर एक्सहेल आउट करवाना है। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो है इस CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल देन आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं बच्चा, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20-25 टाइम मोर सॉल्यूबल देन द आपका, मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, आज की क्लास का वही टॉपिक है और इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होती है। CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से एल्वेलाई तक तीन फॉर्म में हो सकता है। पहला डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के, जो कि 7% ऑफ टोटल CO2 है, और एज अ बाइकार्बोनेट जो टोटल CO2 का 70% है, और एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो कि टोटल CO2 का बचा 20-25%, तो एवरेज लगा लेते साहब यहां पे वो 23% है। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है आप कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तीन फॉर्म में हो सकता है, डिजॉल्व फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो वो कितना होगा, 20-25% होता है, एवरेज 23% है। तो आज की क्लास में जो हम लोग कवर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज अ बाइकार्बोनेट कैसे होता है, और इसी के अंदर हम लोग एक आपका बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, वो है क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर इफेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन एकदम आगे ना सारा का सारा, अगेन मैं कहूंगा कि ये सब मेहनत बच्चा आपके लिए की जा रही है। आप हमारे गए नीचे दिए गए जो लिंक है बच्चा टेलीग्राम का, उसके ऊपर जाइएगा, आपको ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स वहां पर मिल जाएंगे एज अ PDF फॉर्मेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जी, सपोज मैं टिश्यू लेवल पर हूं, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया क्या है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पर आपका जो यहां पर जो टिश्यू के अंदर जो सेल है बच्चा वो रेगुलरली क्या बना रहे हैं, CO2। ये CO2 जो होगा तुरंत जो टिश्यू के पास ब्लड है उसकी RBC के अंदर एंटर करता है, और वहां पर बच्चों ये आपका क्या करेगा, वाटर के साथ मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और वाटर के साथ मिलकर CO2 बना रहा होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, और कार्बोनिक जो एसिड है वो फर्दर डिसोसिएट होता है बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। Now this bicarbonate immediately diffuse out into a plasma or blood plasma. यहां पर बाइकार्बोनेट, बच्चा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बाइकार्बोनेट एकदम से बाहर निकलता है बनने के बाद आपका ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब जब बहुत सारा बाइकार्बोनेट ये नेगेटिव चार्ज RBC से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी,
उसको मेंटेन करने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो आपकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपका मैं कह सकता हूं एंट्री होती है आरबीसी के अंदर क्लोराइड की इन रेस्पॉन्स टू बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट बाहर और क्लोराइड अंदर। तो यहां पर क्लोराइड जो आया है बच्चा उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए आया है, और बाइकार्बोनेट के बाहर जाने से क्लोराइड जब अंदर आता है इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमिना। आई होप ये बात समझ आई होगी। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आपका बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा क्लोराइड अंदर आएगा, तो यही फिनोमिना क्या है, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, चलिए तो कुछ नोट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वो नोट क्या है, पहला कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है और ये मोस्ट अबंडेंट होता है आरबीसी के अंदर कंपैरेटिव टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट मोर इन आरबीसी एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। दूसरा नोट क्या है बच्चा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा उसको बोला गया है डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोला गया है, डोनेंस मेम्ब्रेन। और डोनेंस मेम्ब्रेन जो है इट इज हाईली परमिएबल फॉर द बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस, समझे, एंड इट इज इनपरमिएबल फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ये चेरी ऑन द केक वाली बात है बच्चा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये कि भैया यहां पर ये हाईली परमिएबल होता है बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन, कौन, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका नाम डोनेंस मेम्ब्रेन है, और ये इनपरमिएबल होता है बच्चा डोनेंस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी किसके लिए, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस के लिए। ठीक है, चलिए तो अब यानी कि हमने ओवरव्यू में एक बार आपको फाइनल देकर हम लोग इसको लंग्स लेवल पर समझते हैं कि आखिर CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो सबसे पहले CO2 जो है बच्चा आरबीसी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद ये कंबाइन हुआ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कि मोर है आपका आरबीसी के अंदर, और कन्वर्ट हो रहा होगा ये कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होता है आपका हाइड्रोजन आयन और आपका बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट इमीडिएटली आपका ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज आउट हो जाता है, और यहां पर बच्चा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं, और यही जो फिनोमिना है जब क्लोराइड अंदर आता है इन द रेस्पॉन्स टू मैं कह सकता हूं आपका डिफ्यूजिंग आउट ऑफ बाइकार्बोनेट, तो यही है क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसी को हम लोगों ने क्या बोला है बच्चा, हैमबर्गर फिनोमिना। ओके चलिए, तो अब यहां पर जब ये क्लोराइड अंदर आता है अब बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है, यही क्लोराइड शिफ्ट है। कुछ नोट में मैंने बातें बताई जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज मोर होता है आरबीसी के अंदर कंपैरेटिव टू ब्लड प्लाज्मा, और ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की होती है इसको बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, व्हिच इज हाईली परमिएबल फॉर बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, एंड इट इज इनपरमिएबल फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। चलिए तो यानी कि अब हमारे पास प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आ गया और टोटल CO2 का जो होता है 70%। अब ये बाइकार्बोनेट बच्चा डिसॉल्व होकर प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, आपका लंग्स के पास जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, और जैसे ही ये एल्वियोलर लेवल या लंग लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर प्रेजेंट होने वाली आरबीसी के अंदर तुरंत डिफ्यूज इन हो जाएगा, और जैसे ही बाइकार्बोनेट डिफ्यूज इन हुआ आरबीसी के अंदर तो इसके भाई अगर ये और नेगेटिव यहां आ गया, लेकिन इसके रिस्पांस में तो पहले कौन आ गया था, क्लोराइड आयन आ गया था, लेकिन भाई अब अगर और नेगेटिव दोगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी फिर भी खराब होगी, तो उसके बाद क्या होगा बच्चा, जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर आता है जो क्लोराइड अंदर आया था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। ये क्या है, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। जब रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट होता है बच्चा ये आपका हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करता है और अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बचा ये कार्बोनिक एसिड, और फिर फाइनली बचा ये आपका CO2 और वाटर, यानी कि वही रिएक्शन जो टिश्यू लेवल पर हो रही थी वो रिवर्स हो चुकी है और ये CO2 डिफ्यूज आउट हो जाता है, और डिफ्यूज आउट होने के बाद बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये एल्वेलाई, एल्वेलाई से बचा एक्सहेलेशन के टाइम पर बाहर। तो इस तरीके से बचा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होता है, या फिर 70% ऑफ जो आपका CO2 है जो कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रही है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट आउट होती है। तो बच्चों ये था आपका क्लोराइड शिफ्ट, आई होप आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में, है ना, और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने चैंपियंस बोर्ड पर। तो बच्चा ये है हमारा चैंपियन बोर्ड, द हिंद गुरु अकेडमी का चैंपियन बोर्ड, जिनमें मैं कह सकता हूँ उन सभी बच्चों का नाम और उनका स्कोर आप देख सकते हो
ठीक है, जिन्होंने नीट में जीत अर्जित की है। अगर आप भी चाहते हैं नीट में जीत अर्जित करना तो नीचे दी गई हुई डिटेल्स को बच्चा फॉलो करिए, हमें ज्वाइन करिए और मैं चाहता हूं कि आपका फोटो भी इधर आए। और मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था, मैं चाहता हूं कि भैया ये स्लाइड खत्म ना हो, ये स्लाइड मैं ऐसे ऐसे स्वाइप करता चला जाऊं और ये चैंपियन बोर्ड जो है वो खत्म ना हो। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।